अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक न्यू व्लॉग के साथ। मेरी आज़रबैजान की जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मैंने आज़रबैजान की जर्नी स्टार्ट की थी। मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो कराची एयरपोर्ट पे मेरे साथ हो गया था। एयरपोर्ट पे ये हुआ था कि मैंने वहाँ से वन वे टिकट बाय की थी, और जिस ट्रैवल एजेंसी से मैंने बाय की थी उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है, हम आपको रिटर्न शो करा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इशू हो गया। इशू ये हुआ कि जब मैंने एयरपोर्ट पर टिकट शो कराई तो वो कह रहे कि जो आपने अभी ये रिटर्न टिकट अभी बुक की है वो क्या नाम है, वन वे टिकट आपने की है, और ये सेकंड जो अभी इशू हुई है ये अगर आप इन 24 घंटों के अंदर इसे रिफंड करना चाहें तो ये हो सकती है, हम आपको फ्लाई नहीं करने देंगे, आप आज़रबैजान नहीं जा सकते। पहला इशू, मेरी टिकट कैंसिल हुई। टिकट कैंसिल होने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा मैंने अपने जो मेरे दोस्त थे अरसलान भाई, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा यार प्लीज़ मेरी री इशू करवा दें टिकट। तो उनके बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अपने एक दोस्त से बोलकर ये टिकट जो है ना री इशू करवा दी। री इशू होने के बाद फिर ये हुआ कि मैं वहाँ से खैर खैरियत से फ्लाई करके टर्की एयरपोर्ट पर पहुँच गया। टर्की एयरपोर्ट की मैंने इन्फॉर्मेशन मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन फुल दी हुई है टर्की एयरपोर्ट की कि मेरा 12 घंटे का स्टे था और वो मैंने किस तरह गुजारा और कैसे गुजरा वो सब आप लोगों के साथ मैंने उस अपने जो ब्लॉग है उसके अंदर मैंने शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं आज़रबैजान की जर्नी पार्ट 3 में। और उसके बाद क्या है कि मैं आज़रबैजान एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मेरे साथ वही जो नॉर्मल होता है वही हुआ दोबारा, और वहाँ से मैंने क्लियर करने के बाद फिर मैं बाहर आया हूँ। एक दोस्त थे खुर्रम भाई, उनके पास मैं आया तो उनके साथ था मैं, लेकिन वजह यह थी कि मैं वहाँ पर उनका जो हॉस्टल था वहाँ पर मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। तो इस वजह से एक और खुर्रम भाई की भी दोस्त हैं और मेरी भी उनसे पाकिस्तान से ही दुआ सलाम और कॉल और कॉन्टेक्ट हो रहा था अंसारी सर। मैं अंसारी सर के पास आकर इस वक्त मैंने स्टे किया है। अंसारी सर का जो अपार्टमेंट है इसमें 2 रूम है, एक में अंसारी सर खुद सेपरेट रह रहे हैं और एक में मैं हूँ। और यहाँ पर मुझे काफ़ी कम मैंने नींद बड़ी अच्छी की यहाँ पर, और कंफर्ट भी है, थोड़ी खामोशी भी है, और ये थोड़ा सा ऐसा इलाका है आप इसे कह सकते हैं कि ये पोश एरिया है, इसमें आपको ये शोर शराबा और ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग है एक काफ़ी अच्छा बिल्डिंग टाइप बनी हुई है और नीचे उसके मार्ट और सब कुछ अवेलेबल है, जैसे आपका अपनी एक सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर आपके पास सब कुछ जनरल स्टोर, करियाना स्टोर और मिल्क शॉप, ये सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो अपार्टमेंट का रेंट भी मेरे ऊपर नॉर्मल आ गया, और ऊपर से अंसारी सर जो हैं वो भी अच्छे हैं, उनसे मतलब उनकी बातचीत और उनकी लैंग्वेज और वो भी अच्छी है, मुझे हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ मैनेज हो पा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चल पाएंगे। सेकंड ये है कि अब मैंने स्टार्ट की अपनी, कल ही मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं यहाँ पर अपनी TRC कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने भागम दौड़ और जद्दोजहद स्टार्ट कर दी थी। TRC का कुछ प्रोसेस तो मुझे पता लग गया और मैंने जाकर वहाँ पर मालूमात भी की। मेन इशू ये है कि मेरे यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे टर्किश बोलना आती है। टर्किश बोलने की वजह से मेरे लिए ये बेनिफिट है कि मैं आज़री और टर्किश ये सेम टू सेम है, यानी उर्दू और हिंदी इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। हिंदी बोलने वाला भी उर्दू समझ सकता है और उर्दू बोलने वाला भी हिंदी समझ सकता। ये मेरे उन दोस्तों के लिए ये वीडियोज़ है जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से जो ताल्लुक़ रखते हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं और वो यहाँ पर TRC बनवाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पर आसान खिदमत जाकर थोड़ी सी उनसे नॉलेज ली है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और मुझे जो है क्या नाम है TRC अप्लाई करने में भी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं जब कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं जब TRC बनवाऊंगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कहने का जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल पे ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ये नॉलेज आपके काम की नहीं है
डजंट मैटर, लेकिन हो सकता है कि आपके जो दोस्त आ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड हो, उनके काम की हो, तो उनके लिए ये आके आप उनके उन तक ये मालूम शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।